हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। चलिए शुरू करते हैं आज वो सिलसिला जिसका इंतजार बहुत दिनों से था। जी हाँ, हम शुरू कर रहे हैं आज से आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी, जो कि पूरी तरह से फ्री है यूट्यूब पे। उसकी क्लासेस शुरू करेंगे हम लोग। ओके, तो एक शुरू करने से पहले जो मैंने पहला डाला था वीडियो, उसमें मैं अपडेटेड नहीं था। मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया था आपको कि उसका पेपर जून में फॉर्म आ जाएगा और फिर जुलाई अगस्त तक एग्जाम होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में आप ही लोगों ने मुझे करेक्ट किया यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके। बहुत सारे लोगों ने कहा अपडेट हो जा, पढ़ ले तो मैंने अपडेट हो लिया, छोड़ते तो है नहीं आप लोग किसी को। तो आपका जो शायद नोटिफिकेशन है वो जुलाई अगस्त के आसपास आएगा, जुलाई से सितंबर के बीच में इसका फॉर्म निकलेगा और फिर उसके आगे उसका पेपर होगा। तो हमारे पास टाइम पर्याप्त है, अभी हम लोग मार्च के आसपास में है और अप्रैल मई जून जुलाई अगर हम पूरा का पूरा 4-5 महीने लेके चले, बहुत छोटा सिलेबस है, हम कवर कर लेंगे और हमारे साथ रहिएगा, हम पढ़ लेंगे। और जी हाँ, एक बात समझिएगा, आरआरबी फार्मासिस्ट अभी नहीं तो कभी नहीं, चीज ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं का मतलब है जो लोग 4-5 साल हो गए जिनको कॉलेज छोड़े, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए कॉलेज छोड़े और उन्हें लग रहा है यार मैं तो मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं तो हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, पढ़ाई छूट गई है, मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, आप इस कॉन्सेप्ट को मन से निकाल के फेंक दीजिए। जब तक मन में ये बात है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, जब तक मन में ये बात नहीं आएगी कि हो जाएगा यार, बहुत इजी पेपर आता है, बहुत इजी पेपर आता है। एक चार्ज समझिएगा, अगर आप कम से कम 2 लाख लोग पेपर फॉर्म भरेंगे तो उस 2 लाख में आपका कंपटीशन केवल मुश्किल से 20,000 के बीच में है, क्योंकि वो 2 लाख केवल फॉर्म भर देंगे और पेपर दे देंगे, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, इस कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे। मैक्सिमम लोग जॉब कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, परिवार है, घर बार है और वो पढ़ाई छोड़ चुके, लेकिन जो सीरियसली थोड़ा सा हमें फॉलो करेगा, थोड़ा सा मुझे नहीं कहीं से भी पढ़ाई करता रहेगा, 1-2 घंटे का समय पर डे निकालेगा, वो जरूर सिलेक्शन के पास पहुंचेगा, क्योंकि सिलेक्शन बहुत इजी है, वो पोस्ट कम है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत कम है इसलिए चांसेस ज्यादा है आपके सिलेक्शन का, थोड़ा सा सीरियस रहेगा। आज क्लास 01 की हम बात करेंगे, आरआरबी की पहली क्लास। मेरे ख्याल से कुल 100 क्लासेस के आसपास में लूंगा और वो 100 क्लासेस में आपका पूरा मैं आरआरबी कवर कर दूंगा। आज क्लास 01 ले आ रहा हूं जिसमें आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है जिसमें से हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फार्मेसी के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप मान के चलिए करीब 7 से 8 क्वेश्चन, उस पूरे 70 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन, लगभग 10% पोर्शन जो है वो जूरिस्प्रूडेंस का आएगा। सिलेबस छोटा है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 में जिस टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ड्रग लेजिस्लेशन इन इंडिया, कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट। यानी इसमें हम जितने भी नियम कानून बनाए गए, कैसे बनाए गए, कौन कौन सी कमेटी थी, कौन सा एक्ट कब आया, इसके सन को याद करने की कोशिश करेंगे इस पूरे लेक्चर में। और इससे 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है मेरे लाल, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, जो आरआरबी का सिलेबस है, हमारे प्रोफेशनल एक्टिविटी यानी कि जो फार्मेसी का सिलेबस है उसमें जूरिस्प्रूडेंस पहला सब्जेक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन एंड फिजियोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 9-10 सब्जेक्ट्स हैं जिससे सबसे 6-7 क्वेश्चन करके लगभग 70 क्वेश्चन आएंगे। आज हम जूरिस स्टार्ट कर रहे हैं और जूरिस में लेक्चर नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इसको समझते हुए चलते हैं मेरे बच्चों, समझते हुए चलेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा नोट्स, फिर हम आते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ। तो जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून, राइट। हर चीज का कानून है, नियम है, कानून है, लॉ एंड ऑर्डर से देश चलता है, राज्य चलता है, जिला चलता है। उसी तरह से फार्मेसी प्रोफेशन भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको नियम कानून से बांधना जरूरी है, अदरवाइज लोग इतना जला गलत काम करने लगेंगे, इलीगल काम करने लगेंगे और उस तरह से लोगों के स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे, जीवन पे असर पड़ेगा। तो उसी के लिए ये लाए रजिस्ट्रेशन लाए गए जिसके तहत ये इसका बेसिक पर्पज क्या था, टू एंश्योर दैट पेशेंट रिसीव ड्रग ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी। यानी मरीज जो भी दवा खाए वो प्रॉपर इतना उसकी क्वालिटी टेस्टिंग हो, प्योर हो, प्रॉपर डोज हो, कुछ भी गलत ना हो, टॉक्सिक ना हो, ये पर्पज होता है। तो हम इस पूरे चैप्टर को हम अगर यानी इस पूरे टॉपिक को अगर हम कवर करें तो हम 2 एरा में डिवाइड करके करेंगे। एक होगा प्री इंडिपेंडेंट यानी 1947 से पहले का एरा, उसमें फार्मेसी के लिए कौन कौन से नियम कानून बनाए गए थे, और 1947 के बाद यानी आजादी के बाद कौन कौन से कानून बनाए गए थे। इसमें से मैं पॉइंट वाइज बातें बताऊंगा,
उन पॉइंट वाइज बातें को नोट करके लिख लेना, डायरी बना लो, एक पेन बना लो, वीडियो को पॉज करो, डेटा लिखो और इसको सॉल्व करते चलो, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं कि प्री इंडिपेंडेंट एरा में कौन कौन से ऐसी घटनाक्रम हुआ था जो आजादी के पहले हुआ था, इसको याद करते चलते। सबसे पहली शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में, जो पीसी रॉय के द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। कलकत्ता में भारत की पहली फार्मेसी की कंपनी खोली गई, इसको याद रख लेना, क्वेश्चन कई बार आया है, इसमें कई तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। कब खोली गई? 1901 में। कहां खोली गई? कलकत्ता में। कंपनी का नाम क्या था? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। और उसके बाद किसने खोला था? उसका नाम था पीसी रॉय, पूरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इन्होंने खोला था। उसके बाद थोड़ी सी आगे बात करते हैं, 9 मार्च 1927 को भारत सरकार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि ड्रग के लिए कोई कानून लाया जाए। जी हाँ, उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था। 1912-13-14 के आसपास जब वर्ल्ड वार हुआ फर्स्ट, तो उसमें बहुत से लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल। जो घायल हुए उनके इलाज के लिए मेडिसिन की आवश्यकता थी, मेडिसिन प्रॉपर तो थे नहीं, तो भारत उस समय बहुत बड़ा एक सोर्स बना लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करने का। उनके पास ढेर सारे जड़ी बूटी हुआ करते थे, उस समय हमारा आयुर्वेद बहुत विकसित था, तो हम जड़ी बूटियों के द्वारा बहुत सारे चूर्ण, बहुत सारे पाउडर, बहुत सारे मलहम का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करने लगे और भारत से बहुत अधिक मात्रा में दवाइयां यानी जड़ी बूटियां जाने लगी उपचार के। लेकिन आपको पता है कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो वहां कालाबाजारी बढ़ती है, घुसखोरी बढ़ती है, जमाखोरी बढ़ती है और वहां पे पैसे कमाने का सिलसिला शुरू होता है। लोगों ने गलत दवाइयां, बस मान लीजिए किसी को काली मिर्च भेजना है तो पपीते का बिया भेजे दे रहे हैं, कहीं यूकेलिप्टस भेजना है तो कहीं पे भेजना है तेज पत्ता तो यूकेलिप्टस का लीफ भेजने पड़े, मतलब बहुत सारी कालाबाजारी और नकली माल भेजना शुरू हो गया जिससे बहुत लोगों की जाने जाने लगी। तो फिर भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट को पब्लिक ने, कांग्रेस उस समय थी, उन लोगों ने फोर्स किया कि आप कुछ ऐसा कानून बनाइए ताकि लोग गलत काम करने से बचे मेडिकल फील्ड में, फार्मेसी के फील्ड में। तो 9 मार्च 1927 को सबसे पहले कांग्रेस का जो अधिवेशन था, जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट पे एक दबाव बनाया कि आप कानून बनाइए और इसके कारण 11 अगस्त 1930 ये डेट याद कर लेना बेटा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, 11 अगस्त 1930 को पहली ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया। यानी कि कोई भी कानून बनाने से पहले एक सभा बनाई जाती है जिसमें कुछ लोग होते हैं जो पूरे भारत में सर्वे करते, ये देखते कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं और उसी के हिसाब से कानून बनाते। तो सबसे पहले 1930 यानी 11 अगस्त 1930 को डेट याद कर लेना, ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। और ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया 1937 में, जब ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया तो उसके बाद 1937 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल वॉज इंट्रोड्यूस, सबसे पहला जो बिल आया आजादी से पहले वो 1937 में आया जिसका नाम था इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बिल, यानी जो भी दवाइयां आप भेज रहे हो, खरीद रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, उस पे कानून बनाया गया कि आप गलत सामान नहीं भेज सकते। इसके जब रिकमेंडेशन आया 1930 की जब कंपनी उसके बाद हुआ। आगे बात करते हैं 1940 में ड्रग एक्ट को लाया गया। अब एक चीज याद रखिएगा, आप जानते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को 1940 कहते हैं। पहले बार जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया तो शुरू में उसका नाम सिर्फ और सिर्फ ड्रग एक्ट था जो कि 1940 में आया। एक क्वेश्चन आपको याद करना, 1940 में ड्रग एक्ट आया, ड्रग एक्ट को ही बाद में उसका नाम बदल के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रखा है क्योंकि उसमें कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स भी इंक्लूड किए गए एज ए ड्रग, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं 1945 में, ये चीज आपको याद रखना है, द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। जब ये वाला आपका ये 1930 वाला ड्रग इंक्वायरी कमेटी बन गई, ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी बन गई, तो उसके बाद जब ये इनका रिपोर्ट वगैरह सबमिट हो गया तो 1945 में एक और कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। और जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस बोर, जस्टिस बोर की अध्यक्षता में, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे आर एन चोपड़ा
और ये जो थी 1945 वाली, वो थे जस्टिस बोर्ड, न्यायाधीश थे बोर्ड, उनके अंदर में हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बनाया गया था, ठीक है। और यही सब बातें, ये ओवरऑल कुछ डेटा है जो कि आजादी के पहले की बात हो रही है। अब हम आते हैं आजादी के बाद वाले बात पे, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात करें तो इसमें कुछ आपको खास चीजें याद रखनी है और ये खास चीजें से क्वेश्चन बनेंगे। 1948 में फार्मेसी एक्ट आया, ये चीज ध्यान दीजिएगा, 1948 में फार्मेसी एक्ट आया, लेकिन देश में लागू हुआ लगभग एक साल बाद 1949, याद रखिएगा इस बात को। 48 में फार्मेसी एक्ट संसद में, भारत की संसद में लाया गया। सबसे पहले जो आज आप फार्मेसी एक्ट पढ़ते हैं वो 1948 में आया था, जिसमें फार्मेसी के लिए जो लोग भी इस प्रोफेशन में रहेंगे उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, उनके लिए डिप्लोमा बी फार्मा के कोर्स क्रिएट किए जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनका लाइसेंस बनेगा, सारा नियम बनाया गया। 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया, ये चीज को याद रखिएगा। पीसीआई क्या है? पीसीआई एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो पूरे भारत में जितने भी फार्मेसी के इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी फार्मेसी के कॉलेज हैं, इनका अप्रूवल देना, उनका लाइसेंस देना, उनका कंट्रोल करना, उनकी टीचर्स की ट्रेनिंग कराना, उनका रजिस्ट्रेशन कराना फार्मासिस्टों को, उनकी नौकरी, उनके दवा दुकान, उनका सारा कुछ जो कारभार है बेसिकली एजुकेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो पीसीआई के अंदर आता है। बिजनेस से रिलेटेड काम फार्मेसी एक्ट में आता है, और जो आपका पीसीआई है वो बेसिकली एजुकेशन रेगुलेशन और ट्रेनिंग की बात करती है। तो एक साल बाद फार्मेसी एक्ट आने के एक साल बाद 1949 में हमारा जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया। 1945 की बात करें तो जो हेल्थ एंड डेवलपमेंट सर्वे कमेटी थी जस्टिस बोर की, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पे एक बार फिर से आ गया है 1945। 1994 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया, इसको ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं। सर याद करते चलिए, क्वेश्चन भी आएंगे। देखिए वो इस ड्रग, इसको मैं आपको बढ़ाऊंगा बाद में तो बताऊंगा, पहले हमारे देश में झाड़ फूक बहुत होता था, आज भी कहीं कहीं पे है बीमारी। आप देखते हैं कि किसी को पीलिया हो गया है तो पीलिया का इलाज बाबा जी झाड़ के करते हैं, हल्दी वल्दी चपोड़ के। किसी को चिकन पॉक्स हुआ तो कहते देवी जी निकली है तो पूजा पाठ करते हैं, दवा नहीं खिलाते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां थी जिसका इलाज झाड़ फूक से होता था। तो ऐसे झाड़ फूक, तिलिस्म, कवच, ये सबको दूर करने के लिए 1994 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लाया गया, जो ऐसे किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र विद्या को प्रचार प्रसार को रोकते थे। इनको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहा गया, यानी किसी भी ऐसे एडवर्टीजमेंट को आप नहीं कर सकते जो ऑब्जेक्शनेबल है, जो खराब है। 1948 में फार्मेसी एक्ट आप जानते हैं। 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया, जिसको एक्साइज ड्यूटी एक्ट भी कहते हैं। अब जितनी भी चीजें जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है वो एक्साइज ड्यूटी वाले आते हैं। उससे पहले लोग अल्कोहल का मिसयूज करने लगे थे, उसको दवा के नाम पे खरीदते थे और बेचते थे पीने के लिए, तो उसको रोकने के लिए 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, याद रखिएगा मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कब आया, 1955। इसको याद कैसे करेंगे, इसका मतलब है इस मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट का मतलब है एक्साइज एक्ट, इसका मतलब है पौवा दारू, और एक पौवा जो दारू है वो 55 रुपए का मिलता है, याद रखिएगा एक पौवा जो दारू है अल्कोहल है वो 55 रुपए का मिलता है। तो 1955 में ये एक्ट आया था। 1970 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आया था, ये याद रखिए डीपीसीओ एक्ट। डीपीसीओ एक्ट का मतलब क्या है कि जब इस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होने लगा तो लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रेट बढ़ा के बेचने लगे, बहुत ज्यादा रेट बढ़ा के बेचने लगे। अभी आप देखते हैं हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो एक किसी कंपनी किसी रुपए की है और किसी कंपनी के जस्ट डबल दाम पे है, और डॉक्टर उसी कंपनी की लिखेंगे जो डबल दाम वाली है, कमीशन वगैरह खेल तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे चीजों को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1970 में डीपीसीओ एक्ट लाया, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जिसके तहत एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई कि इससे ऊपर इस दवा को आप नहीं बेच सकते, और हर साल भारत सरकार करीब 100-150 दवाइयों को इसमें ऐड करता जा रहा है कि हर दवा की मैक्सिमम लिमिट को तय कर सके। इसको याद कैसे कर सकता है कि आप दवाई खरीदने गए हैं और आपकी जेब में सिर्फ 70 रुपए है और आप उससे महंगी दवा नहीं खरीद सकते। लाइट कट गई है, क्लास इंटरप्ट हुआ है, मैं फिर से इसको रीस्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो फार्मेसी एक्ट आया 1948 में, और 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया। कैसे याद करना है कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन का मतलब हो गया एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का मतलब हो गया अल्कोहल, और एक पौवा जो अल्कोहल मिलता है वो 55 रुपए का मिलता है, तो उस हिसाब से हमने इसको याद कर लिया।
1970 में दो कानून आए गए थे, एक इंडियन पेटेंट एक्ट आया था 1970 ईस्वी में। व्हाट इज द पेटेंट एक्ट? आपको, आप लोग सब फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि दवाइयां दो तरह की होती है, एक पेटेंट एक जेनरिक। जो भी कंपनी अपनी दवा रिसर्च करती है, स्टडी करती है, लॉन्च करती है, वो कुछ सालों तक अपने पेटेंट कराती ताकि उस दवा को कोई और ना बना सके, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। तो उसके लिए 1970 में ही आया पेटेंट एक्ट, और 1970 में ही जो कंपनियां बहुत ज्यादा रेट बढ़ाती थी उनके लिए आया डीपीसीओ है, जो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। उसके बाद आपको याद करना 1994 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया था, झाड़ फूक वाला, और 1955 में मेडिकल पायलट प्रिपरेशन एक्ट, यही जो सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, ये आया था। ये कुछ ऐसे सन है जो हमें याद करने हैं, जो क्वेश्चन हमारे यहां पे फंसेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर वन में कुछ नहीं है खास, बस इसी तरह से है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी के बारे में 1930 में से। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी से। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था और उसके बाद लोगों ने गलत दवाइयां बेचना शुरू कर दी, डुप्लीकेट सामान देना शुरू किया, हेल्थ के साथ खिलवाड़ होने लगा, तो भारत सरकार, सॉरी भारत के लोगों ने, खासतौर पर कांग्रेस ने, उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट पे दबाव डाला कि आप एक कमेटी बनाइए, एक कुछ योजना बनाइए, कुछ कानून बनाइए, ताकि लेजिस्लेशन वगैरह आ सके और जो भी मतलब गलत काम हो रहे हैं उसके खिलाफ कानून बनाया जा सके। तो उसी के लिए 1930 में यहां पे एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी गठन किया गया था, जो जिन्होंने करीब कई सालों तक स्टडी करके फिर अपने रिकमेंडेशन भारत सरकार यानी ब्रिटिश सरकार को दिए थे, और फिर उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए थे। तो इसमें जान लेते हैं, ये जो कमेटी का जो गठन था वो 11 अगस्त 1930 को हुआ था, ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। 11 अगस्त 1930 को हुआ था, इसके चेयरमैन थे चोपड़ा साहब, आरएन चोपड़ा, इसीलिए ड्रग इंक्वायरी कमेटी को चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी ना पूछकर चोपड़ा कमेटी करके पूछेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके जो सेक्रेटरी थे, चेयरमैन थे जो चोपड़ा, सेक्रेटरी थे गोविंदन नायर, नाम याद करते चलिएगा, गोविंदन नायर। इसके सचिव थे और असिस्टेंट सेक्रेटरी थे डॉक्टर बी मुखर्जी। इनको बाद में एक और बड़ा दायित्व दिया गया था जब ड्रग इंक्वायरी कमेटी के बाद हेल्थ सर्वे कमेटी वगैरह शुरू हुआ था, तो उसमें इनको हेड बनाया गया था। ये शुरू में ये वाइस सेक्रेटरी थे, और इनके अलावा, इन तीन के अलावा तीन और मेंबर थे। एक का नाम था जे एफ कैसिस, ठीक है, जे एफ कैस, एच कूपर और मालविया अब्दुल मैटिन चौधरी। ये दो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे, बाकी कुछ सब इंडियंस थे। तो इन तीन के अलावा कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि और कौन से मेंबर थे, या क्वेश्चन चार ऑप्शन देगा इसमें से कौन से चोपड़ा कमेटी मेंबर नहीं थे, तो इन छह के अलावा कोई और नाम आएगा तो ध्यान दीजिएगा। तो जे एफ कॉस, एच कूपर और माल आपका है मौलवी अब्दुल मार्टिन चौधरी, ठीक है, ये चौधरी जी भी है और मौलवी जी भी है, ध्यान दीजिएगा। और बाद में डॉक्टर जो बी मुखर्जी थे, याद दीजिएगा, डॉक्टर बी मुखर्जी को सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, इनके मतलब देखिए पहले तो बना ड्रग इंक्वायर कमेटी, और ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने जो अपने रिकमेंडेशन दिए थे कि कौन कौन से सुझाव दिए थे, तो उसमें एक सुझाव यह था कि पूरे भारत में सेंट्रल लेवल पर कुछ ड्रग लेबोरेटरी का निर्माण किया जाए। जो ड्रग लेबोरेटरी होगा वो जांच करेगा सैंपल का कि दवा सही है कि नहीं सही है। मैं कोई ड्रग इंस्पेक्टर, कोई भी व्यक्ति जाके छापा मार रहा है, तो छापा मारने के बाद क्या करेगा, वो कहां भेजेगा सैंपल टेस्टिंग के लिए। तो उन्होंने कहा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बनाई जाए। तो जब बाद में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का गठन हुआ था, तो उसके जो पहले वहां पे चेयरमैन थे, डायरेक्टर थे, वो हमारे यही डॉक्टर बी मुखर्जी थे। बाद में यही जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है ये सीडीआरआई में कन्वर्ट हो गया, जो कि लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया। सीडी जो ड्रग लेबोरेटरी था वो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हम लोगों ने यहां पे कवर किए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे सारे के सारे हो गए पूरे टॉपिक, जितना भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैं नोट्स के फॉर्म में लेकर आपके पास लाया हूं। डायरी उठाइए, पेन उठाइए, और डायरी पेन उठा करके इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं एक बुक कंपाइल कर रहा हूं, एक बुक बना रहा हूं, जिसमें फार्मेसी इस एग्जाम के लिए सारे सब्जेक्ट के नोट्स और उसके कम से कम एमसीक्यूज, और नहीं कुछ तो मैं कह दूं आपसे कम से कम नहीं कुछ तो 4 से 5 हजार एमसीक्यूज की प्रैक्टिस वाली मैं एक बुक बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। अगर बन जाएगा तो मैं एग्जाम से पहले लॉन्च करूंगा, तो उसको एक बार आप पढ़िएगा, उस बुक को खत्म कर लीजिएगा, सिलेक्शन तो होना ही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बेटा एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं।
और आपसे देखते हैं कि कौन कौन इसके जवाब सही दे पाते। तो कैसे करना है आपको, एक पेन उठाइए एक पेपर उठाइए। मैं करीब 30-50 क्वेश्चन है, लेकिन मैं 30-31 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और उसमें देखेगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और अगर क्लासेस लेने के बाद 30 में से आप 25 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हैं। 20 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन, सेम टॉपिक को तीन तरीके से, चार तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला है कि बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल जो कलकत्ता में बना था वो 1901 ईस्वी में उसे किसने स्थापित किया था। चार ऑप्शन है, पीसी रॉय, आर एन चोपड़ा, जस्टिस बोस और गोविंदन नायर। तो आपको याद होना चाहिए कि आर एन चोपड़ा चोपड़ा कमेटी के हेड थे, गोविंदन नायर भी उसी के मेंबर थे, सेक्रेटरी थे, जस्टिस बोस की दूसरी कमेटी थी, पीसी रॉय या प्रफुल्ल चंद रॉय जो है इसका पहला ऑप्शन सही है, जो पीसी रॉय थे इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं, चलिए दो की तरफ आते हैं। व्हाट प्रॉब्लम लीड, ठीक है क्वेश्चन नंबर टू बेटा, व्हाट प्रॉब्लम लीड टू द रियलाइजेशन ऑफ द नीड ऑफ ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया। ऐसी कौन सी समस्याएं दिखी उस समय भारत में कि लगा कि ड्रग रेगुलेशन लाना जरूरी है, कानून बनाना जरूरी है। चार ऑप्शन है, फार्मासिस्ट की कमी थी, अच्छे क्वालिटी के ड्रग की कमी थी, फार्मेसी कंपनियों की कमी थी या अस्पतालों की कमी थी। तो आपको पता है ये क्यों लाया गया था, क्योंकि उस समय तो फार्मासिस्ट नाम कोई हुई नहीं करती थी। तो उस समय लैक ऑफ क्वालिटी, ड्रग की जो क्वालिटी थी वो खराब होती थी, इसलिए लेजिस्लेशन बनाने की बात शुरू हुई। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ड्रग इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, कब बनाया गया ड्रग इंक्वायरी कमेटी, चोपड़ा कमेटी कब बनाया गया, सबको जवाब पता है। चार ऑप्शन दिए हैं, 1901, 1930, 40, 55। मेरे ख्याल से सबको सही जवाब मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1930 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। द ड्रग एक्ट ऑफ 1940, ड्रग एक्ट 1940 वॉज लेटर अमेंडेड टू बिकम विच इंपॉर्टेंट रजिस्टर। जो ड्रग एक्ट 1940 में था वो बाद में किस नाम में बदल गया, यानी शुरुआत जब उसकी हुई थी 1940 में उसका नाम केवल ड्रग एक्ट था, फिर बाद में उसके नाम को बदला गया। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आपको जवाब पता है। चार ऑप्शन है, फार्मेसी एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल। तो सबको जवाब मिल गया होगा, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। पहले इसका नाम सिर्फ ड्रग एक्ट था, बाद में मालूम चला कि कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो स्किन पे अप्लाई होते हैं वो मेडिसिन के अंदर रखे जाने चाहिए, तो उसको ऐड करके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसका नाम रखा गया। चलिए अगला टॉपिक हम यहां पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। व्हाट कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इन 1945 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस बोर्ड। जी हाँ, 1930 में चोपड़ा कमेटी के अंदर में, चोपड़ा के अंडर में ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उसी तरह से जस्टिस बोर के अगुवाई में, उनके चेयरमैनशिप में 1945 में कौन सी कमेटी बनाई गई थी। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपके तीन चार टॉपिक तैयार होंगे कि एक तो सर 1945, दूसरा जस्टिस बोर और तीसरा कमेटी का नाम क्या था। चार ऑप्शन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ड्रग प्राइस कंट्रोल कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। किया जा रहा है, ये वाली कमेटी तो हो ही नहीं सकती, फार्मेसी काउंसिल, ड्रग इंक्वायरी, ड्रग प्राइस कंट्रोल, आपको पता ही कब आया था ये ड्रग प्राइस कंट्रोल, 1970 में आया था। तो बचा क्या 1900, जी हाँ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी बनाया गया था, जो कि आजादी से थोड़ा समय पहले के लिए गठन किया गया था 1945 में, जिसमें जस्टिस बोर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर छह की तरफ चलते हैं हम लोग और छह देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, Which act was introduced in 1948 to regulate the pharmacy profession of India? भारत में फार्मेसी प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, टीचर, मेडिकल स्टोर, दुकानें, इन सब को रेगुलेट करने के लिए 1948 में कौन सा कानून बनाया गया। चार ऑप्शन है, डीपीसीओ, आपको पता ये हो नहीं सकता, 1955 में आया था, दूसरा फार्मेसी एक्ट, तीसरा इंडियन पेटेंट एक्ट, ये भी 1970 में आया था, मेडिकल कॉन्फिडेंशियल एक्ट 1955 में आया था, यानी कि बात सही है फार्मेसी एक्ट। आजादी के जस्ट जैसे ही भारत आजाद हुआ तुरंत ही इस पे काम शुरू हो गया था, एक साल के अंदर 1948 में पीसीआई एक्ट के लिए काम करना शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर सात पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है,
कि व्हाट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1994, 1994 में कौन सा एक्ट लाया गया था, ठीक है, टू रेगुलेट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एंड रिलेटेड टू ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज। क्वेश्चन में ही उसका नाम छिपा है, आंसर छिपा है कि झाड़ फूक तंत्र मंत्र को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था 1994 में। ये क्वेश्चन रेडी हो गया ना, 1994 में आया था, आपको जवाब पता है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज है, जिसको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं। क्लियर हो गया सर, आपने पढ़ा है, ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपके ड्रग फार्मास्यूटिकल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, द ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी से बहुत क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन फिक्स है, इसीलिए मैंने करीब 10-12 तरह के क्वेश्चन उसी से बनाए हैं। ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो 1930 में बनाया गया था, उसके चेयरपर्सन कौन थे, जरूरत है बताने की, आर.एन. चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा नाम था उनका, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। What was the primary objective of drug inquiry committee? 1930 में जब drug inquiry committee बनाई गई, तो उसका primary purpose क्या था, क्यों बनाया गया, primary objective क्या था? चार ऑप्शन है, drug price को control करना, गलत बात, investigate the quality of production of drug, जो भी दवा बनाई जा रही है उसकी quality अच्छी हो, सुनिश्चित हो, इसके लिए, बात तो सही लग रही है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एग्जाम में कभी कभी कोई ऑप्शन पढ़ के लगता है यार एकदम सही जा रहा, बस आप टिक मारते हैं, आगे के ऑप्शन नहीं पढ़ते, ये गलती कभी नहीं करनी है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। सी, टू रेस्ट्रिक्ट द फार्मेसी प्रोफेशन टू क्वालिफाइड इंडिविजुअल, केवल पढ़े लिखे लोग ही फार्मेसी के प्रोफेशन में आए, जी हाँ ये बात सही है, लेकिन ये किसका था, ये पीसीआई का था, 1948 के बाद ये बातें हुई, यहां पे बात हो रही है 1930 की। टू एग्जामिन द इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ ड्रग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात भी नहीं थी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टू इन्वेस्टिगेट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, व्हाट वाज द फाइनल रिकमेंडेशन ऑफ द ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930 में जो था, रिगार्डिंग पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, देखिए ध्यान से समझिएगा, उन्होंने करीब 8-9 रिकमेंडेशन दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस समय, ये आप लागू कीजिए, उसमें से पूछ रहा है कि पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के रिगार्डिंग उन्होंने कौन सा दिया था, आप कमिटमेंट दिया था या रिकमेंडेशन दिया था, रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन ये होना चाहिए, बैन ऑफ ऑल पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन ये होना चाहिए, नो रिकमेंडेशन रिगार्डिंग पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, चौथा है सेंट्रल लेजिस्लेशन टू कंट्रोल ड्रग्स एंड फार्मेसी। यहां पे आपको देना है कि चार ऑप्शन में से कौन सी बात हो रही है, तो एक चीज समझिए, ऑप्शन नंबर जहां पे ए सही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन की बात हो रही है, नहीं ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, क्योंकि पहली वाली बात तो हो ही नहीं सकती, डी सही है, इन्होंने कहा कि आप एक ऐसा कानून बनाइए जो जो दवा के बनने बिगड़ने बनाने मैन्युफैक्चरिंग सबको कंट्रोल कर सके, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही है, ए नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, व्हाट वाज रिकमेंडेड बाय द ड्रग इंक्वायरी कमेटी टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, अब ये कई सारे रिकमेंडेशन थे, अब यहां किसकी बात हो रही है, ड्रग की क्वालिटी के बारे में उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, एडवाइजरी बोर्ड बना दीजिए पहला ऑप्शन, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए दूसरा ऑप्शन, टेस्टिंग लेबोरेटरी बना दीजिए सभी राज्यों में ये तीसरा ऑप्शन, और जो भी ड्रग का इंपोर्ट हो रहा है उसको रोक दीजिए। देखिए कहा तो उन्होंने चारों बात थी, रिकमेंडेशन तो सारे थे, लेकिन इसमें पूछ रहा है रिगार्डिंग प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ ड्रग, तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि टेस्टिंग होगी तभी आप क्वालिटी पता कर सकते हैं, सभी स्टेट में एक एक लैब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो सीडीएल है, जिसको बाद में सीडीआरआई कर दिया गया, उसके पहले डायरेक्टर कौन थे, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, पढ़ाया था मैंने, याद होगा आपको, जी हाँ, आर.एन. चोपड़ा तो थे नहीं, पीसी राय थे नहीं, जस्टिस बोर भी नहीं थे, डॉक्टर बी मुखर्जी, जो कि आर.एन. चोपड़ा में वाइस सेक्रेटरी थे, उन्हें बाद में इस सीडीएल का पहला डायरेक्टर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रल लेजिस्लेशन टू कंट्रोल ड्रग्स एंड फार्मेसी इन इंडिया, केंद्रीय रूप केंद्रीय तरीके से कौन सा कानून बनाया गया जो भारत में ड्रग और फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल टू कंट्रोल ड्रग्स एंड फार्मेसी, दवाओं की बात हो रही है, ऑप्शन है फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट, इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल, ऑप्शन नंबर सी और डी तो हो ही नहीं सकता, अब फार्मेसी एक्ट भी हो सकता है और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी हो सकता है,
लेकिन यहां पे कह रहा है टू कंट्रोल ड्रग एंड फार्मेसी, यानी यहां पे एजुकेशन की बात नहीं हो रही, ट्रेनिंग की बात नहीं हो रही है, रजिस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही है फार्मासिस्टों की। अगर इनकी बात होती तो ये फार्मेसी एक्ट होता, यहां पे सिर्फ दवाओं और फार्मेसी की बात हो रही है, यानी दवाओं और दवाओं को बेचने वाली बात हो रही है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ध्यान से बेटा सुनना, थोड़ी सी भी गलती करोगे ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द मेन पर्पज ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन टू रेगुलेट एंड कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ विच डोमेन। जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बनाया गया था वो बेसिकली किस क्या पहलू पे ध्यान रख के बनाया गया, समाज के किस पहलू पे ध्यान रखा गया था? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। दूसरा ऑप्शन है इन्वायरमेंटल, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ये तो हो नहीं सकता, खेती किसानी की बात हो नहीं रही थी। एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, यहां पर डांस, गाना, म्यूजिक, संगीत की तो बात होने नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल, यहां पे भी गलत है क्योंकि टेक्नोलॉजी का यहां पे रोल नहीं है इंडस्ट्री का। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये तीनों तरीके से कानून बनाए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वॉट इवेंट इन 1937, ये चीज याद रखिएगा बहुत, जब उस समय ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी और वो अपना काम 1930 से कर रही थी, तो उसी बीच में एक बड़ी शानदार घटना घटी। घटना ये घटी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो उस केस के आसपास, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ओवर हुआ और उस समय क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों ने एक, उस समय मलेरिया बहुत बुरी तरह से फैल गया था कुछ कंट्रीज में, और भारत से और अफ्रीका से सिनकोना ऑफिसिनेलिस जो प्लांट होता है उसके बार्क से क्विनीन प्राप्त होता है, वो क्विनीन जो है वो दवाइयों के रूप में सप्लाई होना शुरू हो गया। उस समय लोगों ने अच्छा पैसा कमाने के लिए खूब सारे नकली क्विनीन भेजे, किसी दूसरे पेड़ की छाल वगैरह भेज के गलत दवाइयां भेजने लगे, और उस समय बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ था बहुत बड़ा। उसके हिसाब से क्वेश्चन है, वॉट इवेंट इन 1937, और यह कब हुआ, 1937 में। 1937 में ऐसी कौन सी घटना घटी कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल लाना पड़ा, ठीक है, कि बाद, लेकिन इसको बाद में विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल लाया कि आप किसी भी गलत दवा को भेज नहीं सकते, बेच नहीं सकते, मंगा नहीं सकते। वो इसमें चारों ऑप्शन पढ़िएगा और ऑप्शन नंबर डी सही है, द ग्रेट क्विनीन फ्रॉड, जो क्विनीन फ्रॉड हुआ था उसकी वजह से किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विच कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 11 अगस्त 1930, हमको पता है 11 अगस्त 1930 को कौन सी कमेटी बनाई गई थी, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए और आपको पता है, या तो उसका नाम चोपड़ा कमेटी है या तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट इंट्रोड्यूस इन 1948। 1948 में जब फार्मेसी एक्ट बनाया गया तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, चलिए देख लेते। पहला ऑप्शन है इंपोर्ट ऑफ ड्रग को रेगुलेट करना, जो दवाइयां हम मंगाते हैं बेचते हैं उसको रेगुलेट करना, ये तो नहीं लग रहा। ड्रग प्राइस को कंट्रोल करना, ये भी बताया आपको नहीं लग रहा। टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशन, और ऑप्शन है टू सेट स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग टेस्टिंग, ड्रग टेस्टिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आएगा, ये फार्मेसी एक्ट में आएगा। फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना मतलब जो भी मेडिसिन के बिजनेस में है, जो दवा बेच रहा है, जो मेडिकल स्टोर खोल रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो पढ़ा रहा है, वो सब फार्मेसी के ट्रेंड पर्सन होने चाहिए, उनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, विच कमेटी रिकमेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन अनडिस्क्लोज्ड फॉर्मूला मैन्युफैक्चर इन इंडिया, यानी किसने ये रिकमेंड किया था, किस कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि भारत में पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए कोई कानून बनाया जाए, ताकि जो पेटेंट मेडिसिन है उसका फॉर्मूला डिस्क्लोज ना किया जाए और कोई भी दूसरा व्यक्ति उस पेटेंट मेडिसिन को जब तक पेटेंट एक्सपायर नहीं होता उसको बना ना सके। तो आपको पता है सारी कमेटी में से कौन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, मैंने बताया कि चोपड़ा जी ने 8-9 रिकमेंडेशन दिए थे, उसमें से एक रिकमेंडेशन ये भी था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। 19 पे आते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप टेस्टिंग लेबोरेटरी इन ऑल स्टेट। ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी था कि भारत के सभी राज्यों में कम से कम एक टेस्टिंग लेबोरेटरी सरकारी स्टेट लेवल पे बनाई जाए। ऐसा क्यों उन्होंने कहा, चार ऑप्शन दिया है, टू रेगुलेट द इंपोर्ट ऑफ ड्रग, टू कंट्रोल ड्रग प्राइस, टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्शन, टू रेस्ट्रिक्ट द फार्मेसी प्रोफेशन। आपको जवाब मिल गया होगा, जी हाँ, पहला दूसरा चौथा तो बिल्कुल किसी एंगल से नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है, टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं।
विच लेजिस्लेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन 1970 टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मैंने कहा ना कि 1970 दवाइयां महंगी हो रही थी, उस समय दो कानून आए थे, याद होगा आपको, पेटेंट एक्ट आया था, डीपीसीओ एक्ट आया था 70 में, और जब दवाइयों का रेट अननेसेसरी बढ़ाने लगे लोग, तो सरकार ने कानून बनाया ताकि कि रेट को कम कर दिया सके। तो चार ऑप्शन है, फार्मेसी एक्ट जी नहीं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बिल्कुल नहीं, इंडियन पेटेंट एक्ट बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया, पीसीआई का गठन कब किया गया, अति झार्ड जवाब देना है आपको। तो पीसीआई जो है, देखिए फार्मेसी जो एक्ट है, फार्मेसी के जो पीसीआई का बनाया गया था सारा घोष हुआ था, तो ऑप्शन देखिए 1901, 1930, 1940, 1949। तो पीसीआई काउंसिल का जो गठन है वो 1949, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1948 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और फिर उसमें कौन कौन से मेंबर उसके अंदर काम करेंगे आपको याद होगा, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिसियो, ये सारे मेंबर वगैरह होते हैं, तो उन सारे मेंबर्स का जो गठन है वो 1949 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, उनका बेसिक फोकस किस पे था, इंपोर्ट ऑफ ड्रग पे, रेगुलेशन ऑफ फार्मेसीज पे, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग प्रोडक्शन पे, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट पे। देखिए सारा कुछ तो बात सही, लेकिन आपको सोचना है कि क्यों बनाया गया, ऐसे उस समय क्या समस्या आ गई थी कि ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाना पड़ता। आपको पता है उस समय दवाइयां गलत दी जा रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास गलत दवाइयां दे रहे थे, नकली सामान दे रहे थे, दवाइयों का क्वालिटी खराब था, इसलिए गठन किया गया था। तो मेन ऑब्जेक्टिव भी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग प्रोडक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, 23 पे, व्हाट वॉज द फाइनल रिकमेंडेशन ऑफ द ड्रग इंक्वायरी कमेटी रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। जो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी है, जो लड़के हैं डिप्लोमा करके आ रहे हैं, बी फार्मा करके आ रहे हैं, एम फार्मा कर रहे हैं, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन दिया था ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने, नो रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, गलत, रेस्ट्रिक्ट फार्मेसी टू क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, केवल क्वालिफाइड लोग ही इस बिजनेस को कर सके, बैन ऑन फार्मेसीज और सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑफ फार्मेसीज। तो ऑप्शन नंबर आपको पता चल गया होगा, बी इज करेक्ट, रेस्ट्रिक्ट फार्मेसी टू क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा थकाई लग रही है ना, लंबा हो गया क्लास। व्हाट लेजिस्लेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन 1955 टू रेगुलेट एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, इसका मतलब दारू वाली बात हो रही है, अल्कोहल वाली बात हो रही है, तो इसमें कौन सा एक्ट है जो इससे रिलेटेड है, तो आपको पता ही है, आपको ऑप्शन खुद ही दिया गया है 1955 में कौन सा एक्ट आया था, चार ऑप्शन देख लीजिए, और ऑप्शन नंबर सही है सी, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, इसको एक्साइज ड्यूटी एक्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन 25 की तरफ चलते, व्हाट कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच ड्रग एंड केमिकल ऑफ इम्प्योर स्ट्रेंथ वेयर इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन ब्रिटिश इंडिया। कौन सी कमेटी बनाई गई उस समय, बनेगा इस कमेटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कमेटी बनाई गई उस समय जो ब्रिटिश इंडिया में गलत दवाइयां बेची जा रही थी, सेल हो रही थी, क्वालिटी खराब था, तो उसको चेक करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई। आपको पता है चारों कमेटी में से कौन सा जवाब सही है, बार बार ये सवाल आ चुका है, इसमें तो गलत हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। 26, व्हाट इवेंट इन 1940 लीड टू द एनहांसमेंट ऑफ ड्रग एक्ट इन इंडिया। 1940 में जो कौन सा मतलब कि इवेंट हुआ था जिसके द्वारा 1940 में ड्रग एक्ट को बनाया गया, ध्यान समझिएगा कि ऐसी कौन सी घटना हुई या ऐसे कौन सी बातें हुई जिसकी वजह से 1940 में ड्रग एक्ट आया। इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल की वजह से, फार्मेसी एक्ट की वजह से, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट की वजह से, और ड्रग इंक्वायरी कमेटी की वजह से। देखिए आपके चार ऑप्शन है, दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, पहला तो सन याद कर लीजिए, ड्रग इंपोर्ट बिल कब आया था, 1945 के आसपास बाद में था, फार्मेसी एक्ट 1948 में था, 40 में तो हो ही नहीं, हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट कमेटी कब बनी थी 1949 में, तो ये भी 40 में नहीं था, लेकिन ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930 में बनी थी। अच्छा ये सवाल क्या कह रहा है कि क्यों 1940 में ड्रग एक्ट आया, क्योंकि 1930 में चोपड़ा साहब की कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया ब्रिटिश सरकार को कि आप कानून बनाइए ताकि फार्मेसी के प्रोफेशन को कंट्रोल कर सके, तो उसी वजह से 1940 में इनके रिकमेंडेशन में के बाद 1940 में ड्रग एक्ट बनाया गया, जो बाद में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कन्वर्ट हो गया। एक एक क्वेश्चन से तीन चार क्वेश्चन तैयार होते हैं आपके, आप इसको ध्यान दीजिएगा।
27 व्हाट कमेटी रिकमेंडेड द सेंट्रल लेजिस्लेशन टू कंट्रोल ड्रग्स एंड फार्मेसी इन इंडिया, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भारत में ड्रग एंड फार्मेसी को कंट्रोल किया जाए? तो आपको भी पता है जवाब सेम है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ऑप्शन नंबर डी सही है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस इन 1970, 1970 में कौन सा कानून आया? आपको पता है दो कानून आए थे, याद है ना, 1970 में दारू सॉरी दवाई महंगी हो रही है तो डीपीसीओ, और पेटेंट हो रहा है तो पेटेंट है। अब आगे किस लिए? टू इंडियन पेटेंट, तो आपको नाम से लगी रहा है सवाल का जवाब क्या है, चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी सही है, इंडियन पेटेंट है। विच वॉट लेजिस्लेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन 1970 टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, दवाओं के रेट को 1970 में रोकने के लिए, बढ़ते हुए वृद्धि को रोकने, कौन सा कानून आया? आपको पता है डीपीसीओ, याद है आपको, चारों ऑप्शन देखिए डीपीसीओ कहीं दिख रहा है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी, ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। 30 व्हाट लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड 1970 टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी वही है। व्हाट व्हेन वाज द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल इंडिया गठन कब हुआ था? मैंने बताया ना 1947 में पीसीआई बना और उसके मेंबर सब इकट्ठा हुए 1949 में, ऑप्शन नंबर डी सही। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत है, 50-50 के आसपास, मैं बहुत थक गया हूं। तो आज पहली क्लास थी और पहली क्लास में हम लोगों ने खत्म किया जुरिसप्रूडेंस का चैप्टर नंबर 1। जुरिस से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन बचते हैं बहुत बड़ी पोर्शन हो गया और ये बहुत ईजी है। तो जो भी क्वेश्चन फंसते हैं, जहां जहां फंसते हैं वे बनाऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में क्लास नंबर 2 में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई तैयारी के साथ। आपको कैसा लगा लेक्चर? आपको मजा आ रहा है? क्या इंप्रूवमेंट करना है? क्या इसमें हम चेंज कर सकते हैं? मुझे आप सुझाव दीजिएगा, आपके सुझाव का स्वागत है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑलवेज।